हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव माइंड्स चैनल। आज हम क्लास 4 सीबीएसई हिंदी का चैप्टर मन के भोले भाले बादल जो पाठ 1 है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं मुझे आपको कौन सी वीडियो, कौन से चैप्टर, कौन सी क्लास की चाहिए। पहला प्रश्न है, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे, आपको सोच कर लिखना है। उत्तर है, जब बादल अधिक बारिश करते हैं तो ज़्यादा पानी बरसने के कारण नदी नालों में पानी अधिक भर जाता है। बादल इस तरह नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जब बारिश होती है तो पानी भर जाता होगा, और नदी नालों में अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वो नदी से बाहर आएगा या नालों से बाहर आएगा, तो इस तरह बाढ़ आ सकती है। अगला प्रश्न, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे, उत्तर देख लेते हैं। बादलों के बार बार टकराने से तेज़ आवाज़ होती है, ऐसा लगता है मानो ढोल बज रहा है। जब बादल आपस में टकराते हैं, दो बादल आप देखते होंगे कभी कोई चीज़ आपस में टकराती है तो आवाज़ होती है, ऐसे ही जब बादल आपस में टकराते हैं तो आवाज़ होती है, ऐसा लगता है जैसे ढोल बज रहा हो। अगला प्रश्न, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे, सोच कर लिखना है आपको। उत्तर है, बादल कभी शांत दिखाई देते हैं, कभी टकरा कर जोर जोर से गरजते हैं, कभी रिमझिम बारिश करते हैं, कभी तेज बारिश में नदी नालों में बाढ़ ला देते हैं। बादल इसी प्रकार की शैतानियाँ करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, सूरज सी चमकीली थाली, ऐसे ही और भी चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे चंदा सा, हाथी सा, आपको सोच कर लिखना है। जैसे सूरज सी चमकीली तो चंदा सा क्या होगा और कौन होगा, उत्तर है, सूरज सी चमकीली थाली, चंदा सा गोरा मुखड़ा, मुखड़ा यानी कि चेहरा या फिर फेस, हाथी सा भारी भरकम, भारी मतलब हैवी आदमी यानी कि कोई मैन, जोकर सा हंसमुख, जोकर क्या करता है, हंसाता है, तो क्या होगा जोकर, कैसा होगा, हंसमुख स्वभाव आपका, नेचर या व्यवहार कह लो। परियों सा सुंदर पंख, पंख परियों के कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं ना। गुब्बारे सा फूला पेट, पेट फूल के गुब्बारे जैसा हो गया है, कभी कभी बोलते हैं ना। ढोलक सा बजता डिब्बा, डिब्बा बजाते हैं तो ढोलक की तरह बजा सकते हैं ना उसको, आप बजा कर देखना कभी भी, बड़ा सा डिब्बा। अगला प्रश्न, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। आपको पता है तूफान क्या होता है और बादलों को तूफानी क्यों कह रहे हैं इस कविता में। उत्तर है, जब नमी से युक्त गर्म हवाएं बारिश के साथ तेजी से ऊपर की ओर जाती हैं तब तूफान की स्थिति बनती है, इसमें तेज हवाएं चलती हैं, आकाश में गहरे काले बादल छा जाते हैं, उनके मध्य बिजली भी कड़कती है, इससे ही तूफान पैदा होता है, इसलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। जब बादल होते हैं, बारिश होती है, तो आपने देखा है बिजली कड़कती है, हवाएं चलती हैं तेज़ तेज़, तो बादलों के टकराने से, बिजली कड़कने से एक तूफान की स्थिति पैदा हो जाती है। अगला प्रश्न है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। उत्तर है, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा बादल छाते हैं। हो सकता है आप लोग जहाँ रहते हो वहाँ के महीने कुछ अलग हों, तो आप वह भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं। आपको बताना है क्या सच में बादल काले होते हैं कि नहीं। उत्तर है, कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, कुछ सफ़ेद और कुछ गहरे स्टील रंग के होते हैं। बादल पानी की भाप से बनी बूंदों से बनते हैं, बादल सचमुच काले नहीं होते हैं। बादल काले नहीं होते, उस पर बूंदें होती हैं और भाप होती है जिसकी वजह से वो
हमें काले दिखते होंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। आपने कौन से कलर के बादल देखे हैं आपको लिखना है, और या आपको पता है आप बात करके पता करिए और लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, बादल काले, गहरे स्टील और सफ़ेद रंगों के होते हैं। सूर्य की किरणों के कारण वे सुबह और शाम को लाल और केसरिया रंग के भी दिखाई देते हैं। सन की लाइट पड़ती है तो वो हमें ऑरेंज कलर के कभी कभी दिखाई देते हैं। आप सनसेट या सनराइज के टाइम पे स्काई में देखना, तब आपको ऐसा पता चलेगा। अगला प्रश्न, कैसे कैसे बादल से है, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। काले काले डरावने बादल का, गुब्बारे से गालों वाले बादल का, हल्के फुलके सुहाने बादल का चित्र बनाना है। यह प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है। मैंने यहाँ कुछ तस्वीरें लगाई हैं, आप इसमें से देखकर भी बना सकते हो। अगला प्रश्न, कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। उत्तर है, म से क्या, मतवाले बादल लिखा था ना उसमें, आपने पढ़ी होगी कविता। जी से जिद्दी, शैतानी वाले, तूफानी बादल। अब अगला प्रश्न है, कुछ अपने थैलों से चिपके, झरझर झरझर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झरझर झर, पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। आपको पानी जब टपकता है तो हम पूछते हैं ना कि अरे टिप टिप पानी गिर रहा है, तो ऐसे ही कुछ और वर्ड्स ढूंढकर लिखने हैं। उत्तर है टप टप टप, दूसरा टिप टिप टिप, घर घर रिम झिम, छम छम छम। छम 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 का एक गाना भी सुना होगा ना आपने, छप छप छप। अगला प्रश्न, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। इसका उत्तर आपको स्वयं करना है, लेकिन मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल तैयार किया है, वो मैं आपको बताती हूँ। इस प्रश्न में आपको अपने आसपास देखने हैं कैसे पेड़ हैं, उनका आकार क्या है, कैसे दिखाई देते हैं, और उस पर एक कविता तैयार करनी है। छात्र ऐसे इसे स्वयं करते हैं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक लिखी है, देखिए कविता। कोई पेड़ है लंबा पतला, तो कोई पेड़ है बड़ा घना। कोई पेड़ है छोटा और मोटा, तो कोई पेड़ है विशाल बड़ा। कोई पेड़ देता है फल, तो कोई पेड़ देता है छाया। क्या तुमने भी कोई पेड़ है लगाया? आज सब बोल रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोला जाता है, पेड़ लगाने के लिए बोला जाता है, तो हम सबको एक एक पेड़ पौधा लगाना चाहिए।